मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की। देखिए, एक देश, एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है, और ये मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी कि ये जो OPS है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा, और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपनी छोटी सी, अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर ये लोन मिलेगा, और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपके आपका कोई फायदा नहीं होगा, इनसे कोई काम नहीं है इनका आपके लिए। तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो मेरे परिवार के सदस्यों का आपके साथ रहा है, उसको निभाना जरूरी है। आप सबसे मैं कह रही हूं, और मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो जनता यहां बैठी है, कि उस रिश्ते को निभाने के लिए दो तरफ आपको भी निभाना पड़ेगा, हमें भी निभाना पड़ेगा। हम अपना इन्हें कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके लिए जी जान एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे। आप जागरूक बन जाओ, हमारे लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान यहां हैं, आप समझ लो कि आपके भविष्य की बात है। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, और जब मैं आप सबको देखती हूँ तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी माँ की शक्ति से, माँ ज्वाला जी की शक्ति से, माँ नैना देवी की जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में,
इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये आपके संघर्ष की पहचान है। हम पहचानते हैं और सम्मान करते हैं आपका। हम चाहते हैं कि आपको अपने संघर्ष में मदद मिले, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप सब पढ़ लिख कर घर बैठे। हम चाहते हैं कि युवतियां भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, आपको भी रोजगार मिले, आप भी जिम्मेदारी संभाले। इसीलिए सरकारी रोजगार की बात जब होती है तो हम ये खास हम महिलाओं को भी इसमें हम मदद करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि हर तकरीबन हर जगह एक मोबाइल क्लिनिक है। ये स्वास्थ्य का काम भी कांग्रेस की सरकारों में शुरू हुआ था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से ये हुआ है कि ये रेफरल सेंटर जैसे बन गए हैं। आज आप वहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन ठीक से अगर कोई बड़ा इलाज करना हो या कोई बड़ी समस्या हो तो वहाँ पे इलाज नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में हम उन PHCs को मजबूत बनाएं, ताकि आपको इलाज वहीं पे मिले, अच्छी अच्छी दवाइयाँ, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे मैंने कहा, बागवानों को फसल का दाम, अपने सेबों का, मशरूम टमाटर का दाम खुद तय करने का हक होना चाहिए। ये हक हम आपको देना चाहते हैं। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे को के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो आपके और हमारे बीच, जो आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में रिश्ता है, वो एक बहुत गहरा प्रेम भरा रिश्ता है, एक निष्ठा का रिश्ता है। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारे एक एक नेता निभाएं, और मैं आप सबसे भी अपील करती हूं कि एकजुट होकर ये चुनाव लड़िए, एकता दिखाइए, पार्टी को मजबूत करिए, ताकि हिमाचल प्रदेश मजबूत हो। यहाँ सोलन में ये निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पे एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क खुलवाया जाए। ये फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे अगर आप टमाटर उगाते हैं तो उसको प्रोसेस करना, केचप बनाना, दूसरी उसकी चीज़ें बनाना यहाँ पे हो सकती हैं, और यहीं से फिर वो पूरे देश में जा सकती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा, और इसके लिए खास फंड हम देना चाहते हैं। अपने भविष्य को बहुत ही संजीदगी से लीजिए, आगे क्या चाहते हैं सोच समझ कर अपना वोट दीजिए। आपने कहा कि 3 बजे ही शायद आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव एकदम आ गया है। अब आप सबकी बातें सुनिए, उनका आकलन खुद करिए, सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपको निष्ठावान नेता मिलेंगे, आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरी बातों पर आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवभूमि को प्रणाम करते हुए परिवर्तन की प्रतिज्ञा के साथ मैं ये अपना भाषण समाप्त करती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे, आप सही निर्णय लेंगे और आप यहाँ पे बदलाव फिर से लाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद।